जय माता दी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगतों को और संगत जी, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बिल्कुल अलग वीडियो है संगत जी, जिसमें आपको एक बहुत ही खास चीज़ मैं आज सिखाऊंगी। यानी कि यूँ समझ लो, आज मैं एक आपसे एक वायरल हैक ट्राई करूंगी। और वो वायरल हैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जितने भी गुरु संगतें हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान होती हैं कि जो तांबे का जो बर्तन है, तांबे का गड़बा है या तांबे का गिलास है, तो उसका रंग कुछ ही दिनों में इतना काला पड़ जाता है, ऐसा लगता है मानो कोई मैल की परत जम गई है उस पर। लेकिन वो मैल की परत नहीं होती एक्चुअली। तांबा जब हम जितना यूज़ में लाते हैं उतना ही वो ज़्यादा काला होता जाता है, लेकिन हमें वो काला अच्छा नहीं लगता। हम नींबू से भी साफ़ करते हैं, हम रेत से भी साफ़ करते हैं, हम राख से भी साफ़ करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। लेकिन आज मैं एक ऐसा हैक ट्राई करूँगी। सबसे पहले मैं नींबू से भी उसको साफ़ करूँगी, रेत से भी साफ़ करूँगी, और एक हैक जो मैंने खुद भी सीखा है फेसबुक से, तो वो मैं आपके सामने ही ट्राई करूँगी और देखूँगी कि कितना कामयाब होता है वो, और कितना हमारा जो तांबे का गड़वा है या तांबे का गिलास है वो चमकता है। तो आज आपके सामने ये सब होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपके हर रोज़ ये सवाल होते हैं कि गड़वे को कैसे ब्लेस करना है, तो संगत जी जमुदी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स पे आप जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर ये भी वीडियो आ जाएगी कि घर पर ही गुरु जी महाराज जी के तांबे के गड़वे को अगर हमने किसी बीमारी के लिए ब्लेस करना है तो कैसे करें। ठीक है, कुछ भी ओखा नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और बहुत कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो प्यारे गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि अगर आप मेरे दरबार बड़े मंदिर या डुगरी नहीं आ सकते हो तो आप मात्र मेरे स्वरूप से टच करने पर भी तांबे के घड़वे को ब्लेस कर सकते हैं। तो संगत जी, जब इतनी बड़ी गुरुजी ने बात कह दी है तो आप उनकी बातों पर बिलीव कीजिए और उन बातों को मानिए। तो जय गुरु जी। तो चलिए मैं अपने बर्तन इकट्ठे करती हूँ तांबे के, जितने भी मेरे पास है। तो मैंने अपनी किचन से ये निकाल लिए हैं, काले कलूटे से हो गए घड़वे। ये तांबे के हैं, प्योर तांबे के हैं, लेकिन इनका रंग इतना चेंज हो गया। और जब आप काफ़ी देर तक तांबे के बर्तन यूज़ नहीं करते ना, तो उनका रंग ऐसा ही हो जाता है। तो देखो ये कितने काले से हो गए हैं। तो आज हम इनको चमकाएंगे, और वो भी आप सभी के सामने, कुछ भी हिडन नहीं होगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और चैनल पर नए होने के कारण आपको थोड़े बेल आइकन बटन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि जितने भी आज तक वीडियोज़ आई हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक। तो भाई ये है हमारे घर के काले कलूटे तांबे के घड़वे। इनको मैंने यूज़ कम करती हूँ तो इसीलिए ये ऐसे हो गए हैं, ये बड़े ही कम निकलते हैं। मैंने गुरुजी के लिए तो एक तांबे का गिलास लगाया हुआ है जल प्रसाद के लिए, तो ये यूं ही पड़े होंगे। तो आज मैं अपनी सारे टेस्ट इन्हीं पे करूँगी, क्योंकि ये बेहद काले हो गए हैं। कितनी परत इन पर जमी हुई है ये देखिए। तो आज इन्हीं पर हम हैक ट्राई करेंगे। तो जब तक मैं हैक का सामान इकट्ठा करती हूँ, तब तक आप एक काम कर लीजिए। और आपको क्या करना है संगत जी, आपको जल्दी से अनुराधा ब्लॉग्स पे जाना है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबाना है, ताकि जो भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स वाली वीडियो या इस तरह की कोई भी वीडियो जो भी आज तक पड़ी हैं, या जो वीडियो आप गुरुजी महाराज जी के बारे में जानना चाहते हैं, वो आप सर्च ऑप्शन में टॉपिक लिख के वो वीडियोज़ भी आप उसमें देख सकते हो। तो जय माता दी, जय गुरु जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक के लिए, क्योंकि बड़े सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि आंटी जी, हमारे तांबे का गड़बा काला ही रहता है, ठीक नहीं होता, साफ नहीं होता। तो चलिए आज फिर हम मिलकर साफ करते हैं, बिफोर, इसके बाद आफ्टर की फोटो भी आएगी। तो ये देखिए भाई, सबसे पहले मैं आज इस तांबे के काले काले गड़बे को साफ करूंगी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, इस नींबू से। और बहुत बार हमने सुना है कि जो तांबा है वो नींबू को रब करने से चमक जाता है, तो ये आपके सामने ही हो रहा है। और देखते हैं हमारे ये काले काले तांबे का जो गड़वा है ये कितना गोरा होता है आज, आज इसकी कितनी मैल निकलती है। ये पहला है जो छोटा वाला गड़वा है ना वो, और ये इसका दूसरा छोटा भाई, बड़ा भाई, दोनों बहुत काले हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैंने यूज़ में नहीं लाए हैं। और आज मैं इसको अच्छी तरह रब करती हूँ, इसकी भर भर के मैल निकालूंगी। तो देखेंगे आज हम ये कितना गोरा सोना सोना होता है, क्या अंतर आता है इसमें। और गुरुजी ने अपने वचनों में कहा हुआ है कि तांबे के गड़बे को नींबू या राख से धोएं।
तो राख आजकल बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि जहाँ भट्टियाँ होती हैं, जहाँ बेकरी की दुकानें होती है, तो वहाँ से वो मिलती है राख। तो जहाँ फिर गांव जो जिनके घर में चूल्हे जलती है ना, वहाँ से मिलती है। तो भाई यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत है नहीं मिलने वाली राख, तो इसलिए हम नींबू से काम चलाते हैं। और फिर एक और चीज़ है जिससे मैं आपको दिखाऊंगी, ये तांबे के गड़वे को साफ करके। तो लगभग 5 से 7 मिनट मुझे हो गए हैं, तो अभी मैं इसको पानी से धोती हूँ। ये मैं आपके सामने अभी वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, तांबे का गड़वा कैसे साफ करना है नींबू से रगड़ के। ये वाला मैं ना लाइव में मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि आज का जितनी भी सबसे ज़्यादा वीडियो के लिए जो मैल उतार रही है मुझे आपके सामने, इसमें इसकी उतारूंगी और लाइव में इसकी, यानी कि दोनों भाई हैं, बारी बारी दोनों भाइयों से मैं काम लूंगी। तो ये देखिए, इसको मैं साफ करती हूँ पानी से आपके सामने। और सामने मैंने कैमरा लगाया हुआ है और नीचे थाली रखी हुई है, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी अगर मैं कैमरा बार बार उलटाती पलटाती रही तो। हाँ, फ़र्क पड़ा है, काफ़ी हद तक साफ़ हुआ ये। और ये इसका पानी है, तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हुआ है ये नींबू से। तो भाई एक टोटका मैं यूज़ करने जा रही हूँ इस पर और साफ करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ आप बताइए, क्या है, हिंट दे दूँ? खट्टा खट्टा, टेस्टी टेस्टी। और बचपन में जब हम स्कूल जाते थे ना, तो एक लिफाफे में ना इसको बंद करके लेके जाते थे और नमक डाल के, मोटा मोटा वाला नमक, तो ये खाते थे, बड़ा आनंद आता था। इमली, ई से इमली, तो ये इमली का गूदा है ये देखिए। और इस वक्त ना ही मेरे पास राख है ना ही रेत है। तो सेकंड चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस लोटे को चमकाने के लिए, इसका कालापन दूर करने के लिए, तो ये इमली के गूदे का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और नींबू का इस्तेमाल करके मैंने दिखा दिया, तो थोड़ा सा चमका ये। तो अब हम इमली यूज़ करते हैं, तो ये है इमली का गूदा। इसको भी रब करते हैं, रब रबा रब, रब रबा रब, रब रबा रब, रब। तो मंत्र जाप भी करते हैं ना गुरुजी का, ये गुरुजी के जल प्रसाद को ब्लेस करने के लिए ये तांबे का गड़वा काम आता है। तो इसे साफ करते करते हम गुरुजी के मंत्र का जाप करते हैं ना, ताकि एक पंथ और दो काज हो जाएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप भी मेरे साथ ये तांबे के बर्तनों को साफ कर सकती हो। वीडियो के सामने बैठ जाइए, जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ सब कुछ ट्राई आप भी करिएगा। तो भाई इमली से भी हमने कर लिया साफ, ये देखो। तो चंपू राम ना इतना ज्यादा नहीं चमके हैं, फेयर एंड लवली की तरह निखार नहीं आया है, चमके हैं बस उतने ही जितना कि नींबू के साथ चमके थे। ये देखिए आपके सामने, कुछ भी हिडन नहीं है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। तो अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ वायरल हैक, जो कि काफ़ी दिनों से बहुत बहुत वायरल हो रहा है इंस्टा पे, फेसबुक पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ आपके सामने। तो ये इसकी हालत है, इन जनाब जी को मैं यहाँ बिना रिटेक लिए रख रही हूँ यहाँ पे, और आपके सामने ही मैं इसका थर्ड हैक ट्राई करने वाली हूँ। दो ट्रिक्स तो हमने यूज़ कर ली, जिसमें से ये इतना ही गोरा हो पाया है। तो अब मैं थर्ड ट्रिक करने लगी हूँ यूज़। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए एक कटोरी, और कटोरी के साथ साथ आपको चाहिए विनेगर। तो इस वक्त मेरे पास कोई और विनेगर नहीं है, तो मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, जो कि वेट लॉस के काम भी आता है, लेकिन मैंने बहुत पिया, नहीं होता वेट लॉस। वेट लॉस आपका तभी होगा जब आप अपनी टंग पे थोड़ा सा खाने पीने का लॉस करोगे, यानी कि खाना पीना थोड़ा
कम खाओगे, ब्रेक दोगे थोड़ी खाने पे, तो मेरा वेट लॉस तो नहीं हुआ, तो ये सिरका बचा हुआ था और मैंने सोचा सेब के सिरके से मैं आज काम चला लेती हूँ। अब दूसरा सिरका तो मेरे पास है ही नहीं विनेगर, क्योंकि हमारे घर में चाइनीज़ कम बनता है, तो मैं ये ले रही हूँ उसमें एक ढक्कन, क्योंकि जो मेरा जो गड़वा है वो छोटा ही है, और साथ ही में फिर उसमें भी तो जाएगा ना थोड़ा विनेगर जब मैं लाइव करूँगी, तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ये देखिए। और पानी के साथ अभी रुकिएगा, एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, तो आपने भी ये देखा होगा हैक मेरे ख्याल से, वो तीसरी चीज क्या है भाई, तीसरी चीज है ये टाटा का साल्ट, नमक, इसको इसके बीच में डालिए और पी जाइए। पीना नहीं है, मैं उंगली से ही मिक्स कर रही हूँ, चम्मच लेने कौन जाए। इसको इसके साथ मिक्स करके, उंगली के साथ भी कर सकते हैं अब देसी काम, नहीं तो चम्मच ले सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा हाइजीनिक हो तो। इस मामले में मैं अभी हाथ साफ ही है तो मैं उंगली से ही कर रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस काले कलूटे गड़बे को जो कि थोड़ा सा चमका है लेकिन फेयर एंड लवली वाला निखार नहीं आया, तो इसको इसमें डिप करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम वायरल वीडियोज में देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है कमाल, वीडियो में तो हमने देखा था कि 1 मिनट में इसकी पूरी परत चेंज हो गई थी, तो आज हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि कुछ होता है। 2 मिनट रहने देती हूँ और देखिए तब तक मैं थोड़ी आपसे बात कर लेती हूँ। जो भी चैनल पर नए हैं, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि क्योंकि आपके बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि अनुराधा आंटी खुद सत्संग कैसे करें, सत्संग में प्रसाद क्या बनाएं, कड़ा प्रसाद कैसे बनाएं, प्लेलिस्ट कहाँ से लें, ये जो गड़बा है जो हमें ब्लेस करना है कैसे करें, तो इन सभी टॉपिक्स पे संगत जी वीडियोस बनी हुई हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑप्शन में जाकर जम्मूदी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स में वो वीडियो सर्च करनी है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ढूंढिएगा तो आप भटकोगे नहीं, बहुत ही सीधे सरल भाषा में गुरु जी महाराज ने सब कुछ सिखाया है संगत जी जो मुझे, और वही मैं आपसे साझा करती हूँ जो ज्ञान गुरु जी ने दिया है। तो हुआ है सच्ची में थोड़ा सा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा कॉटन के साथ इसको साफ करती हूँ, मुझे लग रहा है इसमें विनेगर कम है, थोड़ा विनेगर और डालती हूँ। तो मेरे पास, मैं बता रही हूँ, ये एप्पल साइडर विनेगर है, दूसरा विनेगर नहीं है मेरे पास जो चाइनीज में पड़ता है, तो मैं कॉटन की हेल्प से इसे रब करती हूँ और इससे साफ करके देखती हूँ कि क्या अंतर आता है। और करिएगा आप भी जरूर अपने घरों में, और आज इसको मैं गोरा करके ही दम लूंगी। अरे हो रहा है सच्ची में, मजाक नहीं है, ये साफ हो रहा है पर इतना गोरा नहीं जितना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, पूरा दिखाते हैं उसमें, लेकिन साफ हो रहा है, कमाल है। विनेगर नींबू से रगड़ रगड़ के कुछ नहीं हुआ लेकिन विनेगर कर रहा है साफ, ट्राई एंड टेस्टेड है भाई, कीजिएगा। ये देखिए साफ हो रहा है जनाब, वाह ये है काम कर गया। तो भाई अब आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नींबू की, विनेगर मंगाइए चाइनीज वाला, जो चाइनीज फूड में विनेगर पड़ता है वो है, तो वो ज्यादा गुड है। और अगर आपके पास भी मेरी तरह एप्पल साइडर विनेगर बचा हुआ है जो आपने कभी वेट लॉस के लिए मंगाया हो, तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो साफ हो जाएगा। ये देखिए ये है काम कर गया, वो मेरा लोटा गोरा हो गया, गोला 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 गोरा गोरा छोना छोना, जय गुरु जी। देखिए जी सच्ची में चमक गया मेरा गड़वा, ये देखिए अभी मैं यहां से दिखाती हूँ ये जगह इसकी, ये चमकाती हूँ मैं जगह, सच्ची में ये है कमाल का है। कभी कभी फेसबुक पे सही दिखता है सब कुछ, हर एक चीज झूठी नहीं होती, सच्ची भी होती है भाई। ये देखिए जोर लगा के,
तो भाई देखिए, इसकी सारा जो कालापन है ना, ये खत्म कर रहा है विनेगर। अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करते हैं ना, तो ये साफ हो जाएगा एकदम। तो ज़्यादा वाली मेहनत मैं बाद में करूँगी, तो मुझे ये हैक ट्राई करके आपको दिखाना था, ताकि आप लोग बड़ी दिक्कत में आते हो, मुझे पूछते हो कि आंटी नहीं हो रहा साफ, नहीं हो रहा साफ, नींबू से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा ही उसका कालापन खत्म होता है, लेकिन विनेगर से होता है साफ। ये देखिए, आपने पहले भी इसको देखा ना, तो अब भी देखिए, ये देखिए। और दूसरा वाला मैं लाइव में मैं करूँगी, अभी फेसबुक पे लाइव आऊँगी, तो उसके सारी संगतों के सामने करूँगी मैं। ये देखिए, वाह कमाल कर गया ये विनेगर वाला फार्मूला, बड़ा कमाल का। ये देखिए, ये दोनों मैंने आपको दिखाए थे ना, ये देखिए, ये अभी काला है, और ये कितना ज़्यादा अपना कलर ले रहा है, इसकी परत जो है मैल की, एक्चुअली ये मैल नहीं होती, तांबा बस बड़ा बड़ा काला होना शुरू हो जाता है मेरे ख्याल से। ये ना, इसमें कुछ होता होगा, पता नहीं, ये साइंस ही जानती होगी कि क्यों काला होता है, बट मैंने देखा है तांबे के बर्तन आप जितनी मर्जी केयर से रखो, ये काले पड़ते हैं। तो चलिए जी, ये है तो हमारा कमाल का है, और इसे मैं अब थोड़ी देर ज़्यादा डिप करके रखूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें अंतर देखने को मिला। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा साफ हुआ है ये जो इसके स्पॉट है ना। तो अब मैं इसको ना डिप ही करके रखूँगी इसमें थोड़ी देर के लिए। ये मेरे पास कटोरी छोटी है, कुछ बड़ा बर्तन होता ना तो ज़्यादा कमाल होता, पर कोई नहीं, इसी से मैं काम चला लूँगी। तो ये मेरी आज की स्पेशली वीडियो है उन संगतों के लिए जो बोलती हैं आंटी जी ये जो कॉपर वेसल हैं, जो गुरु जी को हम तांबे का गड़वा जल प्रसाद के लिए लगाते हैं, जो गिलास यूज़ करते हैं, तो बड़ा काला हो जाता है, उसे हम कैसे साफ़ करें। तो भाई आप भी ऐसे साफ़ करें एप्पल साइडर विनेगर से, सच्ची में कमाल है ये। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय गुरु जी। सब्सक्राइब कर दो भाई, आपकी अनुराधा आंटी आपके लिए मेहनत करती है, और मैं चाहती हूँ कि आपके घर में भी मेरी माता रानी और गुरु जी महाराज जी की भर भर के ब्लेसिंग्स आए, आपके परिवारों में भी हो खुशहाली, और जिंदगी में कभी किसी की जो अपनी झोली जो आपकी है सिर्फ और सिर्फ रब के आगे फैलाएं, कभी किसी के आगे ना फैलाएं, जरूरत ही ना पड़े आपको किसी की। जय माता दी, जय गुरु जी। कोई भूल चुको तो माफ करना। तो लो जी, हमारे तांबे का गड़वा एकदम नया सा बन गया है, और पहले मैंने बिफोर की फोटो दिखाई है और ये आफ्टर की। तो ये सब मिरेकल हुआ है भाई, मेरे पास जो बचा हुआ सिरका था उसके साथ। तो आप भी अपने घर पे नया सिरका ला सकते हो, या मेरी तरह बचे हुए सिरके को भी काम में ला सकते हो। तो लाइव में भी इसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो देखिएगा फेसबुक पे। जिनको इस तरह से वीडियो नहीं देखनी होगी, तो जो वीडियो का लिंक है वो आगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जय माता दी, जय गुरु जी। मिलूंगी फिर से एक नई वीडियो के साथ। ट्राई जरूर करिएगा, ये वाला हैक बहुत आसान है, विद इन 5 मिनट्स ये चमक जाएगा। संसार में तो वैसे ही लोग बदनाम करते ही करते हैं, अच्छा करो बुरा करो सब जगह बदनामी मिलती है, पर अगर किसी ने भक्ति करके बदनामी पाली, सत्संग सुन के बदनामी पाली, अरे आजकल बड़ा भगत बन रहा है ये, बड़ा कथाओं में जाने लगा है, और कथा से आता तो माथे पर ये चंदन छापे और लगा के आता है, घर वाले टेढ़ी नजर से देखने लगे, पड़ोसी टेढ़ी नजर से देखने लगे, बदनाम करने लग जाए, तो मन को तसल्ली देके कहना कि अब भगवान ने अपने भक्ति के रास्ते पर हमारी एंट्री करा दी है, तभी तो बदनामी हो रही है। संसार में तो वैसे ही लोग बदनाम करते ही करते हैं, अच्छा करो बुरा करो सब जगह बदनामी मिलती है, पर अगर किसी ने भक्ति करके बदनामी पाली, सत्संग सुन के बदनामी पाली, अरे आजकल बड़ा भगत बन रहा है ये, बड़ा कथाओं में जाने लगा है, और कथा से आता तो माथे पर ये चंदन छापे और लगा के आता है, घर वाले टेढ़ी नजर से देखने लगे, पड़ोसी टेढ़ी नजर से देखने लगे, बदनाम करने लग जाए।